नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम तीन बैंकिंग स्टॉक्स की। जैसे कि मैं अभी आपसे पीछे वीडियो में वादा करके हटा हूँ, आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। तो सबसे पहले कोटक बैंक ही है, ठीक है? कोटक बैंक। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूँ, मैं डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में भी रखा है और वीडियो टोटली टोटली एजुकेशनल के पर्पस से है, ठीक है? कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप वीडियो देखते हैं ये आपकी चॉइस है, आप ट्रेड करते हैं ये आपकी चॉइस है। मैं मेरा चैनल कहीं से भी आपको कंपेल नहीं करते हैं कि आप बाय सेल का बटन दबाइए, ठीक है? ये देखिए, ये है एक कोटक बैंक का चार्ट। ये फिलहाल चल रहा है एक अपवर्ड राइजिंग चैनल के अंदर। आज इसका हाई है 1959 और मेरा टारगेट है इसमें, पहला ही टारगेट ये है 1800 से लेके 1780। ये लेवल आपको कोटक बैंक में नेक्स्ट 3 मंथ में देखने को मिलना चाहिए। ये यहाँ से फॉल करेगा, बढ़िया बेयरिश फ्लैग का पैटर्न है, मिनिमम यहाँ तक आएगा। मैंने इससे पहले भी आपके साथ 15-15, 20-20% के लिए स्टॉक को एनालाइज किया है, ठीक है? चाहे वो, हाँ, आगे पीछे जरूर हो सकता हूँ मैं, अडानी एंटरप्राइज हो, चाहे मारुति हो, ठीक है, चाहे इंफोसिस हो, चाहे TCS हो, बहुत स्टॉक मैंने आपको 20-20, 25-25% तक के लिए एनालाइज करके दिए। बायोकॉन हो चाहे, ठीक है, बंधन बैंक को 200 पे बाय दिया था, बंधन बैंक आपको मैंने, ठीक है, और एक अभी 200 पे और एक स्टॉक बाय दिया था ना, कौन सा था, 100 रुपये, 100 रुपये पे दिया था, मन्नापुरम, ठीक है? मन्नापुरम 130 तक गया और इसका टारगेट 115, 122, 128 ऐसे करके दिए थे 2 से 3 महीने के अंदर। अब यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जुलाई एंड तक मान के चलिएगा, ऊपर की तरफ बदमाशी ज़्यादा बढ़ सकती है, पर इसमें आपको 1800-1780 देखने को मिल सकता है। SL आप जो ऊपर ठीक लगे लगा लीजिए, मेरी तरफ से तो 2008 इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस SL लगा लीजिए और जुलाई एंड तक ये टारगेट शायद आपको देखने को मिल जाए, 1800-1780, इनफैक्ट 1750 तक, ठीक है? कोटक बैंक पूरा बेयरिश पैटर्न है, RSI भी दिखा रही है, यहाँ पे टॉप लग चुका है, उसके बाद डाइवर्जेंस, ठीक है? एक बार थोड़ा 1 आवर चार्ट में भी देख लेते हैं RSI के अंदर डाइवर्जेंस है कि नहीं। मेरा 1 आवर का चार्ट यहाँ भी देख लीजिए पूरा, ठीक है, और प्राइस भी दिखा रहा है, तो नीचे तो ठुकना है इसको कोटक बैंक को, ठीक है, बढ़िया तसल्ली से ठुकना है। 1765-1780, ठीक है। अगला स्टॉक है अपना इंदसिंद बैंक, बढ़िया। इसने ये इसका ब्रेकडाउन दिया। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, आप देखिए बैंक निफ्टी अपना नया टॉप लगा चुका है और फिलहाल आप कह लीजिए टॉप पे चल रहा है। ये है बंधन आपका इंदसिंद बैंक, ठीक है, बहुत जाना माना बैंक है। 2000 के करीब इसका प्राइस था, बढ़िया तरीके से फॉल हुआ, कोविड के टाइम पर 250 का लो बनाया। ये बैंक अपने टॉप पर नहीं गया भाई, ठीक है, इस बैंक ने अपना टॉप नहीं बनाया, ये तो इनफैक्ट बहुत स्ट्रगल कर रहा है 1250 को क्रॉस करने में पिछले 1 साल के अंदर, 1 या 2 साल से 1250 से लेके 900 के बीच में घूम रहा है। आप देखिए ज़रा यहाँ पे 1250, फिर 1250, फिर नीचे, मंथली कैंडल है ये, ठीक है। अब अच्छे से अगर आप वीकली चार्ट लगाएंगे, ये देखिए, तो मुझे कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि हम दोबारा ऐसे इसको ना 900-800 के लेवल अगर दोबारा से इंडसइंड बैंक में देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2023 के अंदर, 2023 के अंदर अगर आपको दोबारा 900-800 के आसपास दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनली पक्का है यहाँ पे कुछ फंडामेंटली गड़बड़ है, ये इसका चार्ट ही बता रहा है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर अगर मैं 3 महीने की बात करूं,
तो ये इसमें है, ये जो लाल कैंडल की ओपनिंग है ना, इसको पकड़िए आप, ये वाली जो ओपनिंग है, क्या है 1158, तो 1160 राउंड फिगर ले लिया, ठीक है 1160, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप ऐसे लगाइए और टिल जुलाई एंड इसको 1000 के बिलो देख सकते हैं, ये मेरा इंडसइंड बैंक पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब अगला आता है HDFC बैंक, इसका भी चार्ट चीख चीख के बोल रहा है, देखिए वीकली चार्ट पे आपको बहुत बढ़िया फॉर्मेशन बनती हुई दिख जाएगी, ब्रेक डाउन आना तय है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आया, रुका, फिर ऊपर करके फिर उसी प्रकार से खड़ा हो गया, डेली चार्ट आप लगाइए देखिए क्या मस्त उससे गिरा नीचे की तरफ, और आज इसकी ओपनिंग जो थी वो कल की ओपनिंग से नीचे ही थी, ठीक है। तो इसका जो राइज है, कुछ भी राइज है, वो सेल ही है, ये लो के पास आएगा दोबारा, ये 1540 के आसपास लो बना था, इस लो के आसपास आएगा, इनफैक्ट इससे भी नीचे जाएगा, मुझे तो 1400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, अभी आपको मजाक लगेगा ना, कोई बात नहीं, ये टाइम आपको बता देगा, 1525 तो इसमें बहुत ही ये लेवल है, देखिए ये यहाँ साइड में लिखा हुआ आएगा, ये 1520-25, ठीक है, ये लो तो आएगा 1540-50 के आसपास, एक क्लोजिंग को इसके नीचे यहाँ तक भी आ सकता है 1465 तक, ठीक है, और मेरा अल्टीमेट टारगेट है इसमें 1400, ठीक है, इस पूरे साल में आपको एक बार HDFC बैंक 1400 के आसपास जरूर दिखेगा यहाँ पे, 1400 इन 2023, बट जुलाई 2023 की अगर आप बात करें 1525, ये लो जो है ना, इसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा रहेगा, ये जो हाई लगा है, ठीक है, अब तो खैर इससे बहुत नीचे चल रहा है, 1660 दिया है मैंने शायद आज टेलीग्राम पे, इसको फॉलो कर लीजिएगा, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो एक बार को शॉर्ट मत करिए, बट ये लेवल स्क्रीन पे दिखेंगे आपको, चार्ट पैटर्न ही ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।